दोस्तों, दुनिया में नाम कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लोग सफलता की ऊंचाइयों को छूकर अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपने एक्स्ट्रा टैलेंट के दम पे दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना परचम लहराते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने किसी न किसी टैलेंट के बल पर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर किसी और वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। कमलजीत सिंह एंड करमजीत सिंह। दोस्तों, हमारे लिस्ट का सबसे ज्यादा खतरनाक और अनोखा रिकॉर्ड बनाया है कमरजीत सिंह और कमलजीत सिंह ने। एक शो के दौरान करमजीत सिंह ने आंखों में पट्टी बांधकर कमलजीत सिंह को जमीन पर लेटा दिया और उनके आसपास नारियल लगा दिए, जिसके बाद उन्होंने एक कुल्हाड़ी से सारे नारियल तोड़ डाले। इतना ही नहीं, करमजीत ने ये कारनामा महज एक मिनट के अंदर कर दिखाया। एक मिनट के अंदर 35 नारियल को अपनी कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ना बहुत कमाल की बात थी, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधकर एक साथ इतने सारे नारियल तोड़ना, वो भी एक लेटे हुए इंसान के आसपास, किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टंट से कम नहीं था। और स्टंट करते समय न तो किसी को चोट आई और न कोई खरोच। सबके सामने ये शानदार स्टंट करने के बाद इस स्टंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन दोनों के नाम हो गया। विप्सी खरादी एंड विप्सल कसाद। विप्सल कसाद जो इंडिया के फेमस मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को 5 फरवरी 2018 को पेट पे तरबूज रखकर और सबसे ज्यादा तरबूज काटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने एक मिनट में 49 वाटरमेलन तलवार की मदद से अपने साथी के पेट पर काटकर अमेरिका का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि 48 तरबूज का था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना खतरनाक है, क्योंकि तलवार का एक बार भी अगर खाली गया तो समझिए काम तमाम। यहाँ हम आपको बता दें, वेस्पिक की टीम इस स्टंट के अलावा भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। यह आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पार्टनर की बॉडी पे सब्जियां काटने से लेकर कीलों के बेस पर सबसे ज्यादा लेज वाले इंसानों का सैंडविच जैसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करवा चुके हैं। अबीश डोमिनिक। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के अबीश डोमिनिक की। इन्होंने भी कोकोनट तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने एक मिनट में अपने हाथ से 122 नारियल फोड़ दिए थे। नारियल तोड़ने की इनकी स्पीड सच में गजब की थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई नारियल नहीं बल्कि गुब्बारे फोड़ रहे हैं, क्योंकि नारियल जैसी सख्त चीज को इतनी आसानी से तोड़ना कोई टैलेंटेड बंदा ही कर सकता है। हम तो इन्हें सलाम करेंगे जिन्होंने इस कठिन स्टंट को करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया और दुनिया भर में भारत का नाम भी ऊंचा कर दिया। दोस्तों, मुंह पे मास्क पहने इस इंसान ने यूट्यूब पे जो कमाल कर दिखाया है, उसे देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली है। दरअसल इसने यूट्यूब पर अपने क्रेजी और इनसेन जंप से दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ये इंसान बिना पैराशूट के ऐसी खतरनाक जंप को अंजाम देता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ समय पहले ही ये इंटरनेट पे इतना पॉपुलर हो गया था कि एबीसी न्यूज जैसे स्टार चैनल ने इसकी न्यूज को अपने चैनल पे दिखाई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये इंसान बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से छलांग लगा रहा है और देखिए कितने खतरनाक तरीके से ये लैंड करता है। ये कुछ सेंटीमीटर का फासला ही इसकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला हो सकता था, पर उसने इस जंप को करके पूरे इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। स्टील मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में इंडिया तीसरा सबसे बड़ा देश है, तो इसी कड़ी में यहाँ के रहने वाले अमनदीप सिंह पूरी दुनिया में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं। आइए जानते हैं और देखते भी है कि आखिर ये कारनामा ये किस तरह से करते हैं। दोस्तों, ये इंसान 2000 से भी ज्यादा जानलेवा स्टंट कर चुका है, और अपने दांतों से 65 किलोग्राम वजनी ट्रक को उठाना या फिर 20-22 मोटरसाइकिलों को अपनी बाजुओं की ताकत से रोकना या अपनी चेस्ट बाजू लेग के बीच जोरदार हथौड़े के वार बर्दाश्त करना, 200 बाइक को एक साथ उठाना या फिर अपने ऊपर से ट्रैक्टर को गुजारना, ये इस तरह के बहुत से खतरनाक स्टंट्स कर चुके हैं और ये कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि ये अभी भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाए। उम्मीद है आने वाले समय में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराने में कामयाब हो जाएंगे। 2009 में होने वाले मिस्टर सिंह कॉम्पिटिशन में इन्हें मैन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला था। आपको बता दें, इस कॉम्पिटिशन में 15,000 सिखों ने हिस्सा लिया था, जहां इनसे सब हार गए थे। जेमी पियर। दोस्तों, जेमी ने दुनिया की सबसे ऊंची जंप लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंसान ने बिना सोचे समझे 250 फुट ऊंची क्लिफ से जंप लगा दी, और वो भी बिना पैराशूट के। जिस स्पीड से ये नीचे आ रहे थे, उससे साफ पता लग रहा था कि उससे इन्हें काफी गंभीर चोट आ सकते थे, लेकिन रिकॉर्ड के आगे चोट मायने नहीं रखती, इसलिए इन्होंने कुछ मामूली इंजरी को झेल कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये स्टंट इतना डेयरिंग था कि अभी तक इस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया है और आगे भी शायद ही कोई तोड़ पाएगा। फ्रांस मुलनर। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाइक के साथ आपके दोनों हाथों और दोनों पैरों को बांध दिया जाए और फिर रस्सियों से सुपर बाइक से आपको खींचा जाए, आपका क्या हाल होगा? लेकिन फ्रांस मुलनर ने ये कमाल कर दिखाया है। उनका शरीर शायद लोहे का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये कारनामा करने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने 2014 में शो के दौरान खुद को रस्सियों से खिंचवाया, और वो भी 24 सेकेंड के लिए, जिसे देखकर वहां बैठे लोगों की रूह कांप गई।
और इन्होंने इतनी जबरदस्त फोर्स को झेला ही नहीं बल्कि इन सुपर बाइक्स को रोका भी और इसी तरह इन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। अलेक्जेंडर पोल। दोस्तों ये हैं अलेक्जेंडर पोल जो बेस जंपिंग के बहुत बड़े फैन हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रीम एडवेंचर स्पोर्ट होता है। यहाँ कई बार लोग जंप के दौरान विंड सूट का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो चिड़िया की तरह ग्लाइड करते हुए जंप का मजा ले सके। 2013 में अलेक्जेंडर ने स्पेन के माउंटेन के ऊपर से एक कारनामा करने की सोची और उनका एम था कि वो मॉन माउंटेन के बीच में बनी दरार से होकर गुजरें। कई लोगों ने उन्हें इस जानलेवा स्टंट करने से मना किया क्योंकि इससे जान भी जा सकती थी, लेकिन अलेक्जेंडर के सर पे तो धुन सवार थी तो उन्होंने अपना विंग सूट पहन के जंप लगा दी। और कमाल की बात ये रही कि टॉप की स्पीड होने के बावजूद भी वो इस दरार से सफलतापूर्वक निकल गए जो देखने में इम्पॉसिबल लग रहा था। रुआन लियांगमिन। दोस्तों ये हैं चीन के रुआन लियांगमिन जो दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने आप को 6,37,000 मधुमक्खियों से कवर करवाया था जिससे कि वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकें। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने स्टंट को करते समय कोई भी प्रोटेक्टिव सूट भी नहीं पहना था। हो सकता है इसकी वजह से इनकी जान भी चली जाती, लेकिन बिना डरे बिना किसी चोट के इन्होंने स्टंट को दुनिया के सामने करके दिखा दिया। आजकल स्काई डाइविंग एक एडवेंचर स्पोर्ट बन चुका है और बहुत से लोग इसे करना पसंद करते हैं, लेकिन किसी किसी को हर एक चीज को उसके लिमिट तक ले जाने का शौक होता है। बता दें हमारे लिस्ट में अगले पायदान पर हैं फिलिक्स जिन्होंने स्पेस में जाकर छलांग लगाई। उन्होंने 1,28,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर छलांग लगाई थी। वैसे इस तरह के स्टंट को परफॉर्म करने के लिए जिस तरह की हिम्मत और जिस तरीके का कलेजा चाहिए वो हर किसी के पास नहीं होता है। गिरते समय इनकी स्पीड 1,357 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। स्पेस में जाने के लिए उनको एक छोटे से बंकर में बिठाया गया जो एक हीलियम के विशाल गुब्बारे से बंधा हुआ था। फिलिक्स को नीचे आने में करीब 4 मिनट 36 सेकंड का समय लगा जो सबसे लंबा समय था और जो सबसे लंबा फ्री फॉल बन चुका है। जॉब कॉर्लेस। दोस्तों जॉब कॉर्लेस को विंड सूट पायलट कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरह के स्टंट इन्होंने कर दिखाए हैं वैसे स्टंट्स के बारे में कल्पना करना ही अपने आप में हिम्मत वाला काम होगा। दरअसल अक्टूबर 2016 में इन्होंने अपना विंड सूट पहनकर लैंगशन माउंटेन पर 10 फीट की दरार के अंदर से सक्सेसफुली पास होकर इतिहास रच दिया था। ये वाकई में काफी कठिन स्टंट था क्योंकि जब आप 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहे हो इतनी बारीकी से इस दरार के अंदर से निकल जाना वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों अब हम आपको जो स्टंट दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों वीडियो में दिखाई दे रहे इंसान को जरा गौर से देखिए, देखिए कितनी रफ्तार से ये रोड पे दौड़ा चला जा रहा है। देखने से लगेगा कि इसके पैरों में पहिए लगे हैं। तो आपको बता दें कि हाँ इसके पैरों में एक तरह के पहिए ही लगे हैं। ये स्केटबोर्ड पर तेज हवा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज दौड़ता चला जा रहा है। आपको बता दें ये स्केटबोर्ड 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार हासिल कर चुके हैं। सुनने में लग रहा होगा कि बंदा कितना टैलेंटेड है। हाँ टैलेंटेड तो है, तभी तो इसने अपने स्टंट को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया। दोस्तों इन्होंने जिस स्केटर का रिकॉर्ड तोड़ा उसकी स्पीड 143.89 किलोमीटर पर आवर के थी। वाकई में ये परफॉर्मेंस काफी कमाल के थे क्योंकि जिस तरह ढलान पे तेजी से जा रहे हैं उसमें काफी खतरा है क्योंकि यहाँ अगर ये डिसबैलेंस हुए होते तो जान भी जा सकते थे। टाइलक केस्म। और दोस्तों अब हमारे भारत की शान इस नन्हे मुन्हे से लिम्बो स्केटर टाइलक केस्म से मिली है जिनकी बॉडी को देखकर लगता है जैसे इनके शरीर में हड्डियां तो है ही नहीं। स्केटिंग करते करते ये अपनी बॉडी को इस तरह से बेंड कर देते हैं जैसे इनकी बॉडी प्लास्टिक की हो। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि इन्होंने इस तरह स्केट करते हुए अपने आप को 36 गाड़ियों के नीचे से निकाला। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये शानदार तरीके से गाड़ियों के नीचे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें दोस्तों जब इन्होंने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो ये महज 6 साल के थे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो बस नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए यस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।